आज है बकरीद का चांद रात। चांद रात मुबारक हो आप लोगों को सबको मेरी तरफ से। और फ्रेंड, आज रात को बहुत ही बारिश हुई, बहुत तेज़ बारिश थी। और जब भी बकरीद आती है तो ऐसे ही बारिश होती है, तो अच्छा नहीं लगता इतना बारिश होती है तो। पर क्या करें, अल्लाह को यही मंजूर है तो। और हर साल बकरीद में बारिश होता है और एकदम किच किच सब जगह होता है, कोई गोश्त देने भी नहीं आता हमें तो, क्योंकि यहाँ पर है ना कच्चा रास्ता है, इसलिए किसी का गाड़ी अटक जाती है या कोई भी आता है तो कपड़ा ख़राब हो जाता है, पूरा घुस जाता है। यहाँ पक्का रास्ता नहीं है हमारे गांव में इसलिए। और फ्रेंड, तो कल बकरीद है, बकरीद को भी कल बोलेंगे आपको बकरीद मुबारक, आज बोल दी हूँ चांद मुबारक। और फ्रेंड, अभी सुबह का वक्त है, सुबह के अभी बज रहे हैं 8:18, तो अभी सुबह का वक्त है, रात नहीं हुई है। सुबह में बोल दिया आप लोगों को चांद रात मुबारक। और फ्रेंड, रात को बहुत तेज एकदम बिजली कड़क रही थी, इतना तेज कि सब बच्चा लोग, हम लोग ये रूम में आ गए सोने के लिए, वो रूम में थे और ये रूम में आ गए, क्योंकि वो रूम में जो टाली का जो पानी था ना पूरा आ रहा था झटास की वजह से, इसलिए ये रूम में आ गए। और बाहर का चलिए आप लोगों को दिखाते हैं मौसम। और यहाँ देखिए आप लोग सो के यहाँ पर देख रही है मोबाइल, और यहाँ है इसराइल के। और चलिए आप, तो यहाँ फ्रेंड देखिए बाहर का व्यू कैसा है, बारिश का मतलब मौसम में ये व्यू देखिए कैसा लग रहा है, एकदम सुन सन्नाटा जैसा। और बारिश अभी भी चालू है, टिप टाप चालू है, एकदम पता नहीं चल रहा है, टिप टाप हो रहा है बारिश। और यहाँ देखिए हरे हरे घास हो गए हैं, जो गाय भैंसों के लिए बहुत अच्छा एकदम खाने का हो गया है। हरे हरे बकरियाँ भी बहुत सारी आती है यहाँ चरने के लिए। और पीछे देखिए काले काले हो गए हैं पानी की वजह से मेरा वहाँ दीवार एकदम। और ये मेरा घर देखिए कैसा हो गया है बरसात की वजह से, पूरा घर भीग गया है। और रात को तो पूरा टाली वाली पूरा भीग गए थे और पानी चू रहे थे, तभी हम लोग वो रूम में गए सोने के लिए। और फ्रेंड देखिए ऊपर मैं पत्रा लगा दी हूँ, पूरा पानी चू रहा था इस वजह से। तो फ्रेंड देखिए बादल कैसा कैसा हो गया है, एकदम अंधेरा अंधेरा बादल, काले काले हो गए हैं और बरसात फिर आने वाली है। और फ्रेंड यहाँ पर देख सकते हैं आप कैसा व्यू है यहाँ का। और देखिए भैंस लोग जा रही है यहाँ से चरने के लिए, हरा हरा घास खाने के लिए। और फ्रेंड मेरी वीडियो अगर आप लोगों को अच्छी लग रही है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिएगा मेरे चैनल को। और यहाँ देखिए इसराइल सो के है, लाइट नहीं है घर में तो बाहर आ गया और सो गया है यहाँ पर, लाइट रात से नहीं है फ्रेंड। तो मेरी वीडियो कैसी लग रही है कमेंट में बताना ज़रूर। और फ्रेंड बारिश के मौसम में ये स्कूल नहीं क्या लिख गया और रहे ये हो यहाँ पर बताओ कुछ लिख तो, रहा है, क्या है पढ़ के बताओ। इतिहास लिखने के लिए कलम नहीं, हौसलों की जरूरत होती है। हाँ सही है सही, इतिहास लिखने के लिए कलम नहीं हौसलों की ज़रूरत होती है।